ओम शांति। माता पिता को समझा है ना, ये महिमा है उनकी। उनकी किसकी? अपने परम पूज्य, पूज्य एक ही है ना, जो एवर पूज्य है, एवर प्योर है, एवर पूज्य है, जो एवर प्योर है वही तो पूज्य लायक रहेगा ना। और बाकी हम मनुष्य पूज्य फिर पुजारी भी बनते हैं ना, है? अपने ही बैठ कर करके चित्रों को फिर पूजते हैं, नहीं तो ये देवताएं मनुष्य भी जो पूज्य गिने गए हैं वो तो एक वक्त पूज्य है, ये पुजारी से पूज्य है, परंतु जो मनुष्य भी पूज्य गिने गए हैं फिर वही पुजारी बनते हैं, फिर पूज्य बनते हैं। तो कहते हैं नहीं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वो परमात्मा के लिए नहीं, कहीं ऐसे समझते हैं कि हाँ सर्वव्यापी के हिसाब से कि पुजारी में भी परमात्मा, पूज्य में भी परमात्मा, इसीलिए वो समझते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ऐसा कैसा? नहीं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ है कि हम आत्माएं, ये आत्मा से लगता है कि हम आत्माएं, तो पूज्य थी अर्थात पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी तो अपने ही पवित्र आत्मा और एक वर्ष परमात्मा को पूजने लगी, लगे ना देवताओं को भी पूजने लगे तो परमात्मा को भी, तो हम पुजारी हम बने, उसको तो नहीं कहेंगे नहीं आप ही पूजा, आप ही पुजारी, रॉन्ग हो जाता है। तो परमात्मा की स्तुति और महिमा कौन सी होनी चाहिए ये भी समझने की बात है, ऐसे नहीं जो उलट पुलट आए आप ही पूजा आप ही पुजारी, या परमात्मा को भी आगे जा करके कह देंगे, सबको कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, सोलह बला संपूर्ण, नहीं परमात्मा को सर्वगुण भी नहीं, इंसल्ट है उसकी, क्योंकि वो कभी अवगुण में आता ही नहीं है, जो उसको सर्वगुणक है वो तो एवर, सभी बातों में एवर है ना, उसमें कोई परिवर्तन या उनकी चेंज नहीं आ सकती, जो चेंज में आती है उसकी महिमा अलग है। तो मनुष्य आत्मा चेंज में आती है, वो गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, सतो प्रधान सतो रजो तमो, इसी सभी में आते हैं, तो जो आते हैं उनकी महिमा अलग चेंजेस में, और जो आता ही नहीं है उनकी महिमा अलग होनी चाहिए ना। तो हम सब एक ही एक, जो भी ऐसे मिनिस्टर भी एक, गवर्नर भी एक, तो राजा भी एक, तो फलाना भी एक, सब एक ही एक, तो सबका एक नहीं, हर एक पोजीशन, हर एक की पोस्ट, हर एक का कर्तव्य अपना अपना है नहीं, मिनिस्टर का, मिनिस्टर में भी हाँ ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये फलाना मिनिस्टर, हाँ हर एक की पोजीशन, अगर हमको कोई काम किसी मिनिस्टर का निकालना है तो हम गवर्नर के पास थोड़ी जाएंगे, हाँ हर एक की पोस्ट, हर एक की बात अपनी अपनी है। हाँ तो सबसे ऊंचा परमात्मा, तो ये सभी जानने की बातें हैं, नहीं तो ऐसे नहीं है कि सब मिल मिला कर करके एक एक, देवता को देवता, परमात्मा को परमात्मा, ये सभी चीजें समझने की चाहिए। तो देवता मनुष्य जो प्यूरिफाइड है उन्हीं को देवता कहते हैं, बाकी परमात्मा को फिर देवता नहीं कहेंगे, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर इन्हीं को देवता कहेंगे। देखो ये है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन ना देवता कहेंगे, इनको गॉड नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से कृष्ण राम ये फिर साकार में कॉर्पोरियल देवता हैं, जो फॉर्म में आए हुए हैं वर्ल्ड पर, अब ये चार भुजाएं वाला तो वर्ल्ड पर नहीं है, नहीं तो सिंबल है सिर्फ साक्षात्कार में देखने के लिए, इसको कहेंगे फिर आकारी देवता, आकारी समझते हैं, आकार माना जिसका फॉर्म साकार कॉर्पोरियल नहीं है, सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखने में आते हैं, तो ये चतुर्भुज इनको कहेंगे आकारी देवता, और राम और कृष्ण इनको कहेंगे साकारी देवता। तो साकारी माना जो कॉर्पोरियल फॉर्म में यहाँ आए हुए हैं वर्ल्ड में, तो ये लक्ष्मी नारायण जो है इनको साकारी देवता कहेंगे, देवी और देवता आए हैं फॉर्म में, यहाँ उनका राज्य चला है, यानी मनुष्य जो प्योर मनुष्य थे उनको देवी देवता धर्म था, इधर जैसे क्रिश्चियन बुद्धिज्म ये सभी है ना, वैसे परमात्मा के द्वारा जो अभी ये प्यूरिटी किया जनरेशन से उसका नाम देवी देवता, तो वो है साकारी देवता है, इसको कहेंगे आकारी देवता है, क्योंकि ये कोई पृथ्वी पर नहीं आए हैं, चार भुजा वाला यहाँ की, ये तो सिर्फ दिव्य दृष्टि का देखने का सिंबल है,
जो सिर्फ परमात्मा द्वारा साक्षात्कार कराया जाता है कि नर नारी ऐसा है, पर तो नर नारी जो साकार में आए हैं वो फिर लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण को साकारी देवता, इनको आकारी देवता, पर तो ये सिर्फ मनुष्य की स्टेटस, लेकिन परमात्मा फिर भी निराकार को कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, निराकार फिर साकार फिर आकार। आकार माना जिसका फॉर्म है मनुष्य जैसा, परंतु इसे साकार हडिमास का नहीं, ये हडिमास का है, वो सूक्ष्म दिखाई पड़ते हैं, बाकी वो हडिमास नहीं है, ऐसे उसको सप्रेस करो नहीं, वो आकार में खाली दिव्य दृष्टि में आते हैं। तो ये चीजें समझने की है सब। तो वो आकारी देवता, अभी वो साकारी देवता, लेकिन परमात्मा इन सब से ऊपर, निराकार, निराकार माना उसका मनुष्य जैसा आकार नहीं है, उनका लाइट की बिंदी कहो, बिंदी सदृश इधर भी बड़ा दिखाया है चित्रों में, क्योंकि नहीं तो इतना बिंदी दें कैसे समझ में, देखो इतनी छोटी छोटी दी है, समझ में देखने में आती है नीचे यहाँ बिंदियाँ, तो इतना नहीं तो है, तो स्टार लाइट एक जैसे टीका बिंदी बस ज्योति का इनका ऐसा, परंतु इतनी चीज कैसे दिखलाने में आती है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाया है कि भाई ज्योति का लाइट का। तो हम आत्मा भी ऐसी चीज है और परमात्मा भी ऐसी चीज है, लेकिन हाँ वो एवर प्योर है, हम इम्प्योर प्योर, हमारे पर आत्मा के ऊपर मैल चढ़ती है, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, ग्रहण देखा है कभी चंद्र, तो चंद्रमा को ग्रहण आ जाता है, सूर्य को ग्रहण लगता है, तो आत्मा को ग्रहण लगता है, परमात्मा को ग्रहण नहीं लगता है, उसी सोल के ऊपर, सुप्रीम सोल के ऊपर ये माया का पांचों विकारों का आवरण नहीं चढ़ता है, लेकिन हम आत्माएं सोल के ऊपर वो चढ़ता है, तो मानो ग्रहण लग जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण हट जाता है तो चंद्रमा खिल जाता है, इसी तरह से आत्मा है ज्योति रूप, परंतु उसके ऊपर मैल कहो, ग्रहण कहो, माया का आवरण कहो, या ऐसे कहो जैसे वो नीडल होती है ना, उसके ऊपर कट चढ़ जाती है, कट समझते हो, जंग जंग जान, वो जंग चढ़ जाती है ना, तो फिर हाँ उसको उतारी जाती है, तो मानो आत्मा के ऊपर जंग चढ़ गई है, काहे की पांच विकार की, अभी वो जैसे तेल से गौसले से आपके सेहा उनको साफ किया जाता है, वैसे इसको ज्ञान रूपी ये योग रूपी गौसलेट, इसको गौसलेट कहो, इसको तेल कहो, इसको घृत कहो, तो इसी से इसको जगाना है, साफ करना है, तो ये ज्ञान और योग है उसका, घृत कहो या उनका तेल कहो, उनको ये देना है, जिससे उसकी कट कहो, ग्रहण कहो, आवरण कहो, ये सब फिर है माया का चरा जो है, तो चरा किसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर चरा है, तो बाटी भी ऐसी और फिर हमारा सारा रिश्ता भी ऐसा, संसार की बनावट भी ऐसी, सब हमारी कर्म बंधनीय यानी हमारा कर्म दुख के बन गए हैं, क्योंकि माया के संग थे, अब माया का संग नहीं था, हम प्योर आत्मा, तो शरीर भी प्योर और हमारे संबंध भी प्योर और संसार की सारी जो थी बनावट प्योर थी, इसी को कहा जाता था, जब ऐसी प्योर थी सब कुछ, तो उनको सतयुग हेवन और देवी देवता, मनुष्य देवी देवता, तो वो लाइफ हमारी जो थी ऊंची थी, अब हमारी लाइफ जंप चढ़ी हुई है, समझा, ग्रहण लगी हुई है, तो अभी ये सारी दुनिया के ऊपर ग्रहण है, कोई एक के ऊपर नहीं है, ये सारी दुनिया के ऊपर अभी ग्रहण है, अभी ये ग्रहण सारी दुनिया के कौन उतारे, हाँ तो दुनिया का मालिक चाहिए ना, इसीलिए कहते हैं वर्ल्ड क्रिएटर उनको, क्योंकि ये ग्रहण इस बॉन्डेज, इसको बॉन्डेज कहो माया का, ये ग्रहण या बॉन्डेज माया का ये उतारना, इससे लिबरेट करना, ये उस लिबरेटर का काम है, तो लिबरेटर इज वन, इसी जंग उतारने का, इसी ग्रहण उतारने का, लिबरेटर इज वन, जैसे गॉड इज वन, तो गॉड ही लिबरेटर है, मनुष्य को इसी से लिबरेट करने की पावर नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो सबके ऊपर ग्रहण है ना, हाँ किसके ऊपर कर सके, बहुत किसके ऊपर, थोड़ा है सब है, बट ग्रहण में सब है, सन्यासी साधु भी ग्रहण में है, क्योंकि बैठे है नहीं विकारी दुनिया में, जन्मते हैं तो कहाँ से जन्मते हैं, विकारों से जन्मेंगे, छोटापन होगा तो विकारियों के संग में रहेंगे ना, पीछे बड़े होंगे, पीछे करके हाँ फिर सन्यास लेंगे, तो ये भी तो कर्म का हिसाब है ना, तो ये है ही विकारी दुनिया, उसको भी देखो सन्यासी क्या रोग नहीं होता है, तो कोई तो कर्म का हिसाब है ना, तो कोई तो हिसाब है जो उनको भी भोगना पड़ता है, तो जरूर है कोई विकारी खाते का हिसाब है, तो विकारों का उसमें भी खाता है, तो सब अभी सब कहेंगे,
इसीलिए होल सारी दुनिया सब आत्माएं अभी ग्रहण लगी हुई है, तो सारी दुनिया के ऊपर ग्रहण है, तो सारी दुनिया का ग्रहण उतारना दुनिया का मालिक। तो दुनिया का मालिक कहते हैं यदा यदा, जब पूरे ग्रहण में सब आ जाते हैं ना, तब फिर मैं आकर करके उसी ग्रहण से छुटा छुड़ाता हूँ, और फिर उनका हाँ तो कहते हैं दे दान, तो छूटे ग्रहण जब ग्रहण होता है ना तो दान लेने आते हैं। हाँ यहाँ भी होता होगा कुछ जब ग्रहण का, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ तो दान तो क्या दान देना है, हाँ पांच विकार। हाँ तो अभी बाप भी कहते हैं बच्चे दो दान तो छूटे ग्रहण। हाँ अभी दान देने के लिए कौन तैयार है, हाँ तो दो दान, तो दो दान तो छूटे ग्रहण, तो ये दान देना है। कहते अभी ये दो मेरी बेटा मेरा दान मेरा जो कुछ, अभी ये पांच विकार दान दो, तो दो दान तो छूटे ग्रह, फिर ग्रहण उतर जाएगा, फिर आत्मा भी प्यूरिफाइड शरीर भी प्यूरिफाइड, फिर सब एवरीथिंग तुमको प्यूरिफाइड मिलेंगी, सब सदा सुखी रहेंगे। तो ये जो अभी चली है ना मैल, उसे धोना, इसी मैल का धोने वाला इसका धोबी स्पेशल एक ही है, इसीलिए कहते मैं धोबी भी हूँ। गॉड कहता है मैं धोबी बन के आता हूँ, क्योंकि ये मैल उतारना इसके लिए बहुत, ये तो धोबी जो को बहुत है। हा? अच्छा एक से न बनी दूसरा, हा? दूसरे से न हुई तो तीसरा। इधर तो कहते हैं आई मैं एक धोबी, इसके धोने वाला जिसकी मैल कैसे उतरे, इसका जो सामान है ना वो तो हमारे पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है, इसका ज्ञान इसका योग इसके साफ करने का, और तो दूसरी जगह से हाँ एक से न हुआ दूसरे से कर देंगे, लेकिन इनका हमारे पास इसकी धोने की चीज जो है योग और ज्ञान, क्योंकि इसमें चाहिए मेरा योग, तो मेरा योग मेरे साथ वो मैं आ करके सिखा दो, मेरे योग के लिए मैं जाऊँ, यानी मेरा होना चाहिए, मेरा योग कोई तीसरा थर्ड पर्सन बैठ कर करके तुमको बताए नहीं बता सकेगा, इसके लिए मेरी जरूरत है, मेरा नॉलेज मेरा परिचय, क्योंकि मेरा परिचय भी मैं जानता हूँ, तेरा परिचय भी मैं जानता हूँ, क्योंकि तू मेरी क्रिएशन हो ना, तो क्रिएशन का नॉलेज कौन देगा, हाँ क्रिएटर, जैसे बाप है बच्चे की नॉलेज कौन देगा, बाप देगा ना, बाप को पता है कि ये बच्चा कैसा पैदा हुआ क्या हुआ, हाँ साड़ी निकली, हाँ पीछे भर के बाप उनको आ सुनाएगा तुम ऐसा पैदा हुआ था ये हुआ था, पीछे सुन के करके सुनाए वो बात एक अलग है, लेकिन जानता तो बाप है ना, जैसे क्रिएटर बाप अपनी क्रिएशन को जानता है, इसी तरह हम क्रिएशन को कौन जानेगा, बाप ही जाने, तो क्रिएटर इज वन नॉट क्रिएटर्स बहुत है, हाँ, नहीं वो तो हर एक का अपना अपना क्रिएटर बाप है, लेकिन हर एक का एक बाप है ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे हर एक के बहुत, भले अडॉप्ट करे वो बातें अलग है, परंतु हाँ एक है ना, कहेंगे तो एक ना, पैदा तो एक से हो रहेंगे ना, तो इसी तरह से ये सारी चीजें समझने, इसीलिए हमारा क्रिएटर आत्माओं का, हम आत्माओं का, बॉडी का क्रिएटर तो हर एक का अपना अपना है ही, लेकिन हम आत्मा का क्रिएटर इज वन, तो इसीलिए उसको क्रिएटर कहेंगे, वो क्रिएटर ही हम क्रिएशन को जानता है, पीछे हम ऊंची क्रिएशन, हम अच्छे बच्चे थे, उस हमारी अच्छाई को भी क्रिएटर जानेगा ना कि हम कैसे अच्छे थे, तो बाप कहते मैंने तो तुमको अच्छा क्रिएट किया और मैंने तुमको अच्छा दुनिया में छोड़ा, लेकिन तुम इसमें गंदे हो गए, ये ग्रहण चरा लिया आपने ऊपर, उन माया का संग परा परा, तभी तुम दुखी हुए हो, अभी इसका हाँ मैं आता हूँ, मेरा काम है बाप हूँ ना फिर भी, इसीलिए बाप को तो तरस पड़ता है, बाप तो रहम दिल गाये हुए है, इसीलिए फिर मैं आता हूँ और आकर करके तुम्हारी ये ग्रहण कहो जंग कहो कुछ भी कहो ये उतारता, तो धोबी भी बनता हूँ, इसीलिए कहते ये हॉस्पिटल भी है, कैसी है वो कहते नहीं आई स्पेशलिस्ट, तो ये है थर्ड आई ऑफ विजडम नॉलेज, तो इसको हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, जिसमें हमको पूरी शफा मिलती है, काहे की एवर हेल्दी एवर वेल्दी, जिस्मानी भी हेल्थ रूहानी के साथ है ना, तो आत्मा प्योर हो जाती है, तो मानो आत्मा प्योर है तो शरीर को कोई रोग नहीं हो सकता, शरीर भी प्योर, तो अभी तो तब पुराने है ना, ये जो बना हुआ शरीर है वो अगले हिसाब का बना हुआ है, ये जो माँ बाप विकारी थे उनका बना, अभी तो आत्मा प्योर हो रही है ना, अभी यहाँ शरीर तो नहीं बदली हो जाएगा ना, ना शरीर भी हमारा ये बना है, जो ये हमने जो लिया शरीर है वो हम पिछले खाते का लिया है, तो हमारा पिछला खाता तो खराब है नहीं रॉन्ग है ना, अभी हम करेक्ट कर रहे हैं, तो आत्मा करेक्ट, फिर वो आत्मा करेक्ट जो शरीर लेगी ना वो उसको शरीर भी जो है ना वो करेक्ट मिलेगा, उसमें फिर कोई रोग आदि न होगा, इसीलिए उसको है कि वो पांच तत्व का शरीर भी जो है ना वो प्योर, इसीलिए फिर हमको सब प्योर होने के कारण से सदा सुख, अभी तो ये रॉन्ग उससे बना हुआ है ना शरीर, ये किसने बनाया,
बॉडी के मदर फादर ने जिसने बनाया तो वो कर्म का खाता, तो हमारा रॉन्ग एक्शंस का है ना। अभी हम राइट कर रहे हैं, तो अभी आत्मा राइट करती है, उस राइट किए हुए हमारे कर्म का जो हमको शरीर फिर मिलेगा वो हमारा प्योर। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे वो अभी हाँ तुमको कैसे मिले उसके लिए तो फिर आप माता पिता प्योर सब प्योर फिर सारी दुनिया तत्ता आदि प्योर थे। इसके लिए देखो ये सारी दुनिया बना रहा, पीछे तुम्हारी जनरेशन ही प्योर रहेगी। जैसे अभी जनरेशन ही इम्प्योर है वैसे फिर जनरेशन ही प्योर रहेगी, उसमें तुम सदा सुखी रहेंगे। तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, देखा कैसा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये देखो तुमको मैं हेल्थ पूरी दे देता हूँ, जिसमें फिर तुम्हारे पास कभी कोई डॉक्टर नहीं, कभी कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इतने रोगी नहीं होगा, तो काय के लिए होंगे ये हाँ दकारी नहीं। तो ये कहते मैं देखो तुम्हारी कौन सी हेल्थ बनाता हूँ, तो ये वो हॉस्पिटल हो गई ना एवर हेल्थी बनाने की हॉस्पिटल। ऐसी कभी हॉस्पिटल सुनी एवर हेल्थी बनाने की, तो ये है एवर हेल्थी बनाने की हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल भी कहो उसका सर्जन कहो आप, उसको डॉक्टर कहो या धोबी कहो, या इनको आ, ये विद्यालय भी है टीचर भी है ना बड़ा। इस टीचर से पढ़ाने से कौन सी स्टेटस मिलती है, ये इंजीनियरिंग डॉक्टरी मनुष्य डॉक्टर मनुष्य इंजीनियर ऐसा नहीं, ये स्टेटस है मनुष्य देवता। हाँ देवता मीन्स एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, ये लाइफ की स्टेज। तो ये है विद्यालय मनुष्य को देवी देवता बनाने, इसकी स्टेटस सबसे ऊंची। तो ऐसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए ना, ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए और ऐसी स्टेटस पानी चाहिए जिस स्टेटस में हम सदा सुखी। देवता और दुखी, देवता और दुखी दो शब्द बनता ही नहीं है, देवता सुखी असुर दुखी, दुख देते दुख लेते। तो आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय, देखो गीता में है ये दोनों शब्द है कि आसुरी संप्रदाय के भी लक्षण सुनाए हैं और दैवी संप्रदाय के भी लक्षण उसमें है। तो कहा है दैवी संप्रदाय के लक्षण ऐसे होते हैं उनको देवता कहा जाता है, और आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण ये होते हैं। तो लक्षण के ऊपर है ना, लक्षण है तो देवता है, लक्षण नहीं है तो फिर असुर है। तो अभी मनुष्य क्या है, असुर, हम सब असुर। अभी देवता बनने का यत्न कर रहे हैं, तो यत्न कर रहे हैं अभी परमात्मा के बन कर सके। तो अभी असुर से शूद्र से अभी ब्रह्म बीच का है अभी है, अब ब्राह्मण है फिर ब्रह्म फिर देवता जा करके बनेंगे। अभी प्यूरिटी का फाउंडेशन डाल रहे हैं, इसीलिए जिन्होंने प्यूरिटी का फाउंडेशन डाला है उनको कहेंगे ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण तो देवता बनेंगे, फिर हमको शरीर भी पवित्र मिलेगा आत्मा भी पवित्र होंगी, तो उसको कहेंगे देवता, समझा। तो ये है सब बातें जिसको समझ कर करके और बाप से अभी वो जन्म सिद्ध अधिकार लेना है। तो अभी इसमें क्या डिफिकल्टी है, बस बाप समझना है और बाप से रिलेशन जोड़ना है, उसी के संबंध में और उसी के मत पर रह कर करके चलना है। बाकी यहाँ कोई संस्कार है पुराने जानते हैं, कोई भाव कोई स्वभाव कोई किसी का, उसी सभी बातों से अपने को नीचे ऊंचे थोड़ी करना है, बाप स्वभाव से नहीं। अच्छा कोई ने कुछ कह दिया कुछ कर दिया कुछ हो गया, उसमें अपने को क्यों हम क्यों उसमें आ जाए, वो हमारा विक्रम बनता है ना, इसलिए बड़ी खबरदारी रखने की है। चलो जो करेगा सो पाएगा, हम अगर किसी बात में आ जाते तो हम भी कर लिया ना, तो हम कर लिया तो उसका बोझा पाप का तो हम भी भागी बन गए ना, हम क्यों बने, हम तो कोई क्या भी करे है तो हम तो कहेंगे ठीक है किया उसने अपने लिए किया ना, जो करता है वो अपने लिए, मेरे लिए कुछ बिगाड़ा तो मेरा तो नहीं बिगड़ा ना, जिसने बिगाड़ा बिगड़ा उसका, तो हमारा क्या बिगड़ता है, हमको तो अडोल रहना चाहिए ना, हम अडोल अचल, तभी तो देखो अचल घर होते हैं माउंट अबू पर, वो अचल घर है। ये हमारी धारणा के गुणों के वो स्टेटस गुणों की जो है उसका वो यादगार बनाए हुए अचल घर पर, भाई अचल स्थिर स्थिर अचल की अभी बात है ना। देवताओं को तो अचल स्थिर रहने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई हिलाने फिलाने वाला है ही नहीं, माया ही नहीं है, तो हिलाने फिलाने की बात ही नहीं है। अभी तो है ना ये हमारी क्वालिफिकेशन है ना, अचल अडोल, तो हिलना नहीं, कोई भी हमको हिलाए थोड़ा कोई ऐसा करे तो हिलना थोड़ी चाहिए हा? कोई किसी ने आंख दिखाई, कोई किसी ने चलो हाथ भी कोई चला दे क्या उसका बिगड़ेगा, उसका विक्रम होगा हमारा क्या बिगड़ा नहीं। इसीलिए अपनी तो अवस्था को अचल अडोल स्थिर ये है, तो इसीलिए अचल नाम पर आए, फिर अचल देवता नाम रख दिया, क्वालिफिकेशन हुई है ना तो नाम रख दिया, वो अभी की सब बातें हैं। अचल देवता
आडोल देव का फिर ऐसे सब नाम रख करके वो देवता है बना के रख दिए है। तो अभी की क्वालिफिकेशन की बात थी, तो ये हमारी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि अभी है ना ये माया के तूफान वगैरह की तो बातें अभी है ना, इसी में हमको कैसा रहना है और इसी सारी बात, इसी से जब हम क्रॉस करेंगे तब तो फिर देवता बनेंगे ना। ये है क्रॉस, अभी यही रास्ता है, इसी की बातों की है जिसमें हमको सहनशील, इसे देखो कितनी सहनशीलता आती है, क्योंकि हम जानते हैं ना हम किस पर है, किस सत्यता के ऊपर है। हमको तो अपना अडोल रहना, हमें कोई डोडे थोड़ा ऐसा ऐसा करे तो हम बस हिल जाए, वाह वाह ये भी कोई हम बाप को भूल जाए। हम क्यों अपनी हैप्पीनेस, हम क्यों अपनी अडोलता, हम क्यों अपनी स्थिरता छोड़े। वो अंगद का मिसाल है ना, किसी ने कहा हमारा पाँव कोई हिला के तो दिखलाए, उसने कहा हिलाए कोई कभी नहीं रहे, वो कौन सी ये पाँव थोड़े ये हमारी बुद्धि जो को, हमको तो कोई उसे तो उसका तोड़े का मतलब ये थोड़ी है हम उसी समय ऐसे ऐसे हो जाए, कोई बात की फीलिंग आ जाए, कोई बात फील हो जाए उसमें ऐसा ऐसा हो जाए, फिर कहे हम अडोल है बाबा के तो है ना, बाबा को ये ठगना नहीं है ये तो ठगने की बात हो जाए, बाबा के हैं तो अडोल है ना, फिर तो हम क्यों डोले, कुछ भी है बाबा के बच्चे हैं चलो किसी ने कुछ, अरे हम कोई जैसे माँ बाप होते नहीं बड़े कोई कुछ करते है छोटे बच्चे तो कहते बच्चा है नहीं थोड़ा बहुत कर दिया, अरे बच्चा ही है तो हमारे लिए भी सब कुछ कोई नीचा ऊंचा करेगा, तो हम तो ऊपर खड़े है ना अपनी बाकी स्टेज पर, तो हम कहेंगे कि ये तो बच्चे हैं बेचारे इसने कुछ कर दिया तो क्या, भले बड़े ने किया परंतु हम बड़ा थोड़ी देखते हैं, वो कहते हैं बेचारे को ज्ञान है ही नहीं, हाँ भले शरीर इसका बड़ा है लेकिन आत्मा तो इसकी कुछ बेचारे को ज्ञान, समझो हमें एक ऐसा डोंट माइंड हम एक बात करते हैं बात करते हैं किसी ने कुछ कर दिया तो आप क्या कहेंगे शरीर तो बड़े इसका बड़ा है, अच्छा आपको दो गाली दी और बच्चा है बेचारा क्या कर दिया तो क्या हुआ, बेचारा जानता नहीं तो बता नहीं है, बच्चा भी नहीं है बाप को भी नहीं जानता है, और हाँ भुला हुआ है ना उसी टाइम, और बाप को भी नहीं जानता, जो बाप को भी नहीं जानता वो क्या रहा, तो बेचारा भी जानता है तो चलो इसने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, हाँ हमारा काम है इसको भी बाप से रिलेशन जुटवाना ना, तो इसको कहे अरे कौन है देख लो ना ये क्या तुम्हारे में ये भूत आ गया तुमने ऐसा नहीं, तुम बाप को समझो बाप से अपना रिलेशन जोड़ो और बाप का होकर के रहो, देखो तुमको वर्षा मिलेगा, उसको बाप की टेम्पेशन दिलानी चाहिए, और रियल टेम्पेशन ऐसे नहीं और ऐसा झूठी मूठी है प्रैक्टिकल है ना, उससे हम देखो क्या प्राप्त करते हैं उसको दिखलाना चाहिए देना चाहिए समझाना चाहिए, तो हमको तो और ही शौक होगा ना समझाने का, ऐसे थोड़ी हम उसमें हाँ इसने ऐसा किया चलो हम रूठे नहीं, तो ये तो अपनी अडोलता अपनी अवस्था चाहिए ना ना, तो ये सभी चीजों को बहुत संभालना, हमारे एक एक कदम को एक एक बात को हमको बहुत संभालना, जब हम ऐसे संभालें और संभल के चलें तभी तो हम अपने कर्म में राइटियस रहे, नहीं तो फिर अनराइटियस हो जाते ना, फिर वही हमारा विक्रम बनता है और विक्रमों से तो हम दुखी हुए हैं, तो विक्रम और कर्म श्रेष्ठ बनाने की हमारी हर वक्त हर समय वो अपनी सावधानी रहनी चाहिए, तब हम अपने में अच्छी ऊंचाई और अच्छी धारणाएं ले आ सकते हैं, और इसी धारणाओं से तो हमारी लाइफ बनेगी ना, बनाने बाकी बनाने का नहीं तो क्या है, यही तो बनाने के इसी कर्म से हम बन रहे हैं, कर्म से बिगड़े हैं हमारी जीवन गिरी है और कर्म से हम सुधरेंगे, तो कर्मों को तो संभलना है ना, अभी संभलना है इस बातों में, बाकी ऐसे नहीं लड़े झगड़े वगैरह बाकी बैठ करके हम आपको बताया था ना, कहीं कहीं ऐसे नेम के पालन करते हैं, खाली नेम को पालन किया या कहीं बैठ करके हठ योग साधनाएं करते हैं बाकी उन्हीं से क्या फायदा हो गया, नहीं हमको प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी दिनचर्या में रोज में जो कर्म चलते हैं उसी कर्मों में ही तो हमको संभलना है ना, उसमें हमारी कोई एक्शन रॉन्ग तो नहीं होती है जो हम बना रहे हैं, बाकी इसके लिए हमने कितना भी माला फेरी फलाना किया वो बतलाया था ना एक में साथ एक ने बैठ कर करके इतना माला फेरने का और राम राम का जाप का प्रैक्टिस की थी, तो बेचारे के कंठ से वो प्रैक्टिस की थी यहाँ से इसका राम 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 आवाज निकल रहा, ऐसा बंद भी करता था ना तो अभी हमको आता नहीं है वो प्रैक्टिस हमारी तो नहीं है, लेकिन उसका मुख बंद रहता था लेकिन वो उसकी राम 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 ऐसा ऐसा हम सुनते थे, यानी ये मुख बंद था लेकिन उसने ऐसी प्रैक्टिस बनाई थी जैसा उनका यहाँ से राम राम का आवाज कंठ से कुछ उसने ऐसा वो चलता था, वो आया था हमारे से मिलने के लिए कानपुर में अपना सेंटर है ना, तो उधर आया था मिलने के लिए तो खड़ा था तो हमने भी सुना तो उसका वो राम राम तो चलता ही था, तो बेचारी को दूसरे दिन उस औरत को बहुत मारता पीटता था एकदम, तो दूसरे दिन बेचारी की वो औरत भी आती थी
तो दूसरे दिन उसकी औरत बिचारी रोती रोती वो उसको निशान हो गए थे, ऐसा मारा था वो निशान हो जाते नहीं खून के ऐसा वो कर दिया। तो आया देखो हाँ राम राम तो कहता है ऐसा, देखो अभी मारा हमको बहुत गाली दी है, अब हमको इससे छुड़ा ये बहुत ऐसा। तो देखो मुख से गाली हा? और इधर से राम राम किया तो क्या हुआ हा? और मुख से वो मुख जो जिससे कर्म बनते हैं उससे गाली, और इधर उसने एक हाथियों को बड़ा अपन को भगत अभिमान था उसको बहुत कि देखो हमने कैसा हमारा तो राम चलता ही रहता है न जपते भी जपता रहता है, देखो हमारा राम कैसा चलता है। तो उसको बहुत उसका था अभिमान, लेकिन वो बात से हुआ ही क्या, इतनी प्रैक्टिस की अभ्यास किया लेकिन वो राम राम चला लेकिन मुख से बैठ के जो काम करता है उसे गाली बकता है यानी गाली देता है, उसको मारता है और ये करता है, वो हाथ से और मुख से जो विक्रम बना वो तो पाप का भागी हो गया ना। तो उससे क्या हुआ, तो ये तो नहीं है ना खाली, ये तो हमारे कर्मों को हमको संभालना है, जो हमारी एक्शंस है जिसी के ऊपर हमारा आधार है उसी से ही तो हमको संभालना है, मनसा वाचा कर्मना इसी बातों से संभालना। तो इसीलिए बाप कहते हैं अरे मनसा को तो मेरे में लगा दो, मेरा काम दे दो उसको, तो फालतू नहीं घूमेगी। जब देखो इधर उधर फालतू जाती है झट से आप ब्रेक दियो, जैसे मोटर को ब्रेक दी जाती है ना, तो बुद्धि को भी ब्रेक देने की हैबिट डालो, झट अभी ये है वो पड़ी हुई है ना हैबिट को छूट छोड़ देते हो, जहाँ मोटर चली जाए हाँ ये बुद्धि की हाँ फालतू चली जाती है, तो उसको ब्रेक देने सीखो। तो ब्रेक दे करके जब फिर बाप से लगा लो कि हम आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये कोई कहने की बात नहीं है लेकिन अपना बुद्धि की याद में अपने को ऐसा समझना है। तो समझ करके हम उनका संतान है तो हमारा एक्शन कैसे होना चाहिए राइट, हमारा बोल कैसा, हम किससे बोलते हैं आत्मा से, ये दूसरा भी जो है ना आत्मा से हम उसको बोलते हैं, कोई काम बोलते हैं कुछ भी है उससे, तो हमको किसी तरह से उसे बोलना चाहिए, वो हमारा नेचुरल है, आत्मा से देख करके बोलने से हमारी भावनाएं शुद्ध रहेंगी उनके प्रति और बोल चाल हमारा रॉयल रहेगा। हम कोई ऐसा नहीं हाँ कहाँ काम के लिए या कुछ भी कहाँ हमको थोड़ा किसी को समझाना पड़े या कुछ कई आदमी तो आप लोगों का तो बहुतों से गुजारा होता है ना, सब थोड़े ज्ञानी होंगे कांटेक्ट में, तो कहाँ तो चलो कहाँ हमको कुछ भी तो भी हम तो साथी रहेंगे ना, ऐसे फिर हमारा टेम्पर लूज हो जाए या हम अपना टेम्पर छोड़ बैठे, तो टेम्परेचर अपना लूज नहीं करना चाहिए, उसमें कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए अपने में कंट्रोल। तो ये हमारी मोटर है ना गाड़ी है ना, इसका सारा कंट्रोल हमारे में काबू होना चाहिए ना, हम इसे डिटैच हो जाए हाँ, या हमको काम लेना है तो सिर्फ ऑर्गन का अटैचमेंट लेकर करके हम काम ले तो डिटैच हो जाए ना, तो डिटैच और अटैच ही प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो ये हमारे में धारणा होनी चाहिए, तो हम चाहें तो इसे डिटैच, अभी डिटैच हो जाते हैं अशरीरी, विधा ने भी कहा ना अशरीरी भव अर्जन, तुम अशरीरी हो जा शरीर से निकल जा, लेकिन कैसे शरीर में होते तो डिटैच हो जा, इसको मैंने लिया है अभी मैं ऐसे काम नहीं लेता हूँ, अच्छा डिटैच होकर के बैठ जाता बस हम आत्मा।